क्या तुमने ये सुना नहीं देवताओं ने ये कहा है कि देवकी का आठवां बालक मेरा काल होगा, तो मैं मरना नहीं चाहता। वो मरना तो कोई चाहता ही नहीं है, मरने से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए इसे मैं मारूंगा। अरे जमुना जी की पार गति अजा धर्म की होई, और जोरे दोनों हाथ को चमे बोले बहनोई। सुनिए कंसराज, ये तुम्हारी बहन है तो अब मेरी ये पत्नी है, तुम्हारे ठीक अधिकार से दूना मेरा अधिकार है, इसे मारो। कहने लगी मारे नहीं, क्यों नहीं मारे, जब इसकी लड़का या कोई भी संतान होगी वो मेरा काल है, तो क्या मैं मर जाऊं। बसदेव कहने लगे कि सुनो कंसराज, इसके संतान से ही तो तुम्हें बैर है, तो मेरी एक बात सुनो। अरे बचन यमुना पैदे जाऊं, तुम्हारी बहना जन्म है गिलाल तुरंत में मथुरा में ना। जवाब दिया है बसदेव ने, कहे कंसराज मैं ये जमुना मैया पर कसम खाता हूं कि देवकी का जब जब बालक होगा उधर से, तब तब मैं तुम्हारे सामने लाता जाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करूंगा। तो कंस मान गया, अर्थात मथुरा को वापस चला गया। हुआ ये देवकी का पहला बालक हुआ, देवकी बहुत प्रसन्न हुई। जब देवकी को प्रसन्न देखा तो बसदेव कहने लगे, अरे देवकी ये तुम्हारा पालक नहीं है, ये तो भोजराज कंस का काल है, भोजन है, इसे मुझे दे दो। आज जब ये कहा तो देवकी की आंखों में आंसू आ गए और एक बात कही, महाराज भला मैं बिना पुत्र के कैसे रह सकती हूँ। तो बसदेव समझा करके बोले, हे भद्रे किस्मत पर किसी का जोड़ नहीं होता, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। और बोले हैं, आर धर के दिल में धीर सबूर करके दिल को डांटो, हाथ में ही काटो, दिल में तसल्ली धड़ करो, मैंने कंसराज को वचन दिया है कि जो जो बालक पैदा होगा देवकी के, मैं तुम्हारी करीब लाता जाऊंगा, तो इस बच्चे को मुझे दे दो। आज जब ये कहा कि इस बच्चे को दे दो तो देवकी रोने लगी और एक बात कही, अरे लला बिना मैं मर जाऊंगी, अरे बिना बेटा के आंगन में रह नहीं पाऊंगी, अरे बिना बेटा। बसदेव कहने लगे, अरे प्रिय भूल जाओ बिना मतलब की बातें, छोड़ दो ये मोह की बातें,
क्योंकि अरे देवकी रोबत छोड़ दई, अरे ने बेटा तू गोद कन सके घर की बात मेरे भागवत श्रोताओं। उस बच्चे को लेकर के महाराज बसदेव चले, देव की रोती बिलकती रह गई। पहुंच गए भोजराज कंस के करीब, कंसराज कहने लगे बहनोई बसदेव कहा लेके आए चपाती है महाराज, ये तुम्हारी बहन का पहला लड़का। अच्छा बहुत सुंदर। उस बच्चे को भोजराज कंस ने पृथ्वी पर लिटा लिया, हाथ में नंगी कृपाण को खींचा, जो मारना चाह। अकस्मात कंस के हृदय में दया आ गई, सोचने लगा ये देवकी का पहला लड़का है और देवताओं ने ये कहा कि आठवां बालक काला होगा, मेरी बहन का लड़का है, मेरा भांजा है, उसे नहीं मारूंगा। कहा बसदेव धराइए ले जा ले जा, इस बच्चे से हमें कोई जलन नहीं है, कोई घृणा नहीं है, इसे नहीं मारेंगे। आठवां बालक हो उसे लेके आना। बसदेव मारी खुशी के मारे बहुत जल्दी करी, उस बच्चे को उठाया, धीरे से निकल पड़े। विनोद भैया